नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो पवित्र नगरी अयोध्या में एक तरफ रामलला के मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ धर्मांतरण का खेल भी सामने आया है। जी हाँ, अयोध्या में इस वक्त एक समूह ऐसा भी है जो कि धर्मांतरण की चाल चल रहा है, लोगों के धर्म परिवर्तन करने के लिए उन्हें बाध्य कर रहा है, उन्हें मजबूर कर रहा है। पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से विस्तार से बताते हैं कि आखिर अयोध्या में वो कौन है जो कि धर्मांतरण के पीछे पड़ गया है। जी हाँ, अयोध्या की पवित्र नगरी में धर्मांतरण का खेल चला रहा है। चलिए हम आपको पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर जुड़ी खबर, इससे जुड़ी हुई खबर आपको लगातार मिलती रहे। जिस अयोध्या को सनातन के सर्व पूज्य माना जाता है, जो अयोध्या सनातन के आराध्य हिंदुस्तान की पहचान और प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, वह अयोध्या विधर्मी ताकतों का एक बड़ा केंद्र बनती जा रही है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में ईसाई मिशनरियां धर्मांतरण की फैक्ट्री चला रही है। जी हां, अयोध्या में चुन चुन कर हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है और यह सब योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। हमारे पास इस बात के तमाम प्रमाण है जो अयोध्या में धर्मांतरण की फैक्ट्री चला रही ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्र को बेनकाब करते हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अयोध्या में हजारों लोग ईसाई बनाया जा रहा है। यहाँ पर प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, उससे कुछ ही दूरी पर बड़ी संख्या में लोगों को ईसाई बनाया जा चुका है। धर्म नगरी अयोध्या में स्थित विद्या कुंड के पास एक पूरी की पूरी बस्ती को ईसाई मिशनरियों में धर्मांतरित कर दिया गया। हमें यह भी बताया गया कि दर्शन नगर का इलाका ईसाई धर्मांतरण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मिशनरी एजेंट दर्शन नगर से ही धर्मांतरण की फैक्ट्री को संचालित करते हैं। ईसाई मिशनरियां ग्रामीण इलाकों में अपने एजेंटों को दूषित कर रही हैं और वहां पर धर्मांतरण का खेल खेल रही हैं। अयोध्या में धर्मांतरण के खेल को चलाना सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं है, बल्कि सनातन को, हिंदू समाज को तथा योगी की सत्ता को सीधी चुनौती है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य अभी शुरू हुआ है और मंदिर निर्माण पूर्ण होने में अभी 3 साल लगेंगे, लेकिन उससे पहले ही अयोध्या पर ईसाई मिशनरियों की नजर पड़ गई। ये सभी जानते हैं कि अयोध्या सनातन व पावन तीर्थ स्थल है। वहाँ 500 वर्षों से अथक संघर्ष में मिली विजय के बाद प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, लेकिन मंदिर निर्माण से पहले ही तीर्थ नगरी अयोध्या में ईसाई मिशनरियों का सक्रिय होना और धर्मांतरण की फैक्ट्री को चलाना किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। इस बारे में करणी सेना भारत के नेता सनी सिंह ने हमें बताया कि ईसाई मिशनरियां एक योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को धर्मांतरण के लिए निशाना बना रही हैं। हिंदुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र कहे जाने वाले अयोध्या के निवासियों को प्रभु श्री राम के भक्तों को धर्मांतरण कर ईसाई बनाया जा रहा है। मिशनरियों का एक प्रमुख एजेंडा है ताकि धर्म नगरी के जड़ों को कमजोर किया जा सके। करणी सेना के नेता सनी सिंह ने अयोध्या पुलिस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार से मामले में तत्काल एक्शन लेने और धर्मांतरण की फैक्ट्री चला रही मिशनरियों की साजिशों को ध्वस्त करने की मांग की है। हम भी योगी सरकार से मांग करते हैं कि धर्म नगरी अयोध्या को मिशनरी संक्रमण से दूषित होने से बचाया जाए और ऐसा करने वालों पर वज्र प्रहार कर उनका खात्मा किया जाए।